अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। आज जो है टीवी चैनल्स के ऊपर धार्मिक चैनल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये सब कुछ इस सरकार का प्री प्लान है, ये आरएसएस का एजेंडा है कि धर्म का अंध, धर्म की जो अंधता है उसे आप घर घर तक पहुंचा दीजिए। वो इस मामले में समर्थ भी है, सक्षम भी है, क्योंकि सारा मीडिया, सारे चैनल उनके पास हैं, पैसा धर्म का, धर्म का प्रचार तो बिल्कुल होना चाहिए, उसके विरोध में आपके लोग क्यों आते हैं? और नहीं, धर्म का प्रचार आप घर घर में करेंगे, धर्म का प्रचार, इसको सरकार को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि सरकार को ध्यान रखना चाहिए। अंधविश्वास फैलाना ये संविधान के विरुद्ध है, सरकार को रोक लगानी चाहिए। लेकिन जब सरकार ही इस अंधविश्वास को फैलाए तो हालत क्या हो सकते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। धार्मिक चैनल नहीं दिखाए जाने चाहिए, धार्मिक चैनल अपने आप जो उन्हें करना है वो करें, लेकिन सरकारी जो ये जो चैनल इनको परमिशन दे रखी है, लाइसेंस दे रखा है, इस पर ये कंडीशन होनी चाहिए कि संविधान का उल्लंघन है, ये धर्मांतर जो दिखा रहे हैं वो दिखाते ना, केवल स्वर्ग की सीढ़ी यहाँ से वहाँ तक, वो दिखाते हैं कि ऐसा कभी नहीं देखा होगा उस जमाने की, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, अंधविश्वास फैलाने के हैं। और ये सुनियोजित षड्यंत्र है कि देश में जितना अंधविश्वास फैलेगा, अशिक्षा फैलेगी, लोग उतने ही मूर्ख बने रहेंगे और आपके क्लास इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और लड़ नहीं पाएंगे। इन चैनलों से आने से बहुजन समाज के लोगों पर क्या असर पड़ेगा वो भी बताएं। नहीं, बहुजन समाज के लोगों पर इस चैनलों के आने से बहुत बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि इन चैनलों को देखना बंद करें, ये आपके हित में नहीं है, ये आपके विरोध में है, ये आपको, आपकी नस्ल को बर्बाद करने के लिए चलाए जा रहे हैं। बहुजन समाज को किसी भी हालत में इनको ना बढ़ावा देना चाहिए और ना ही इन्हें देखना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।